अगला जो महीना है वो है वैसाख, अगला महीना है वैसाख। वैसाख में पहला जो आता है त्योहार वो है वैसाख कृष्ण तृतीय, और इस दिन मनाई जाती है धींगा गणगौर। धींगा गणगौर कब प्रारंभ हुई? अमर सिंह के समय में। अमर सिंह ने अपनी रानी के कहने पर इस दिन गणगौर स्टार्ट की थी, धींगा गणगौर वैसाख कृष्ण तृतीय। उसके बाद सीधे शुक्ल पक्ष में आ जाओ, वैसाख शुक्ल तृतीय, और इस दिन एक त्योहार आता है जिसको हम कहते हैं अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीय इसी को बोलते हैं आखा तीज। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? वैसाख शुक्ल तृतीय को, अक्षय तृतीय, आखा तीज। ये है अबूझ सावा, अबूझ सावा, चार पांच अबूझ सावे है जिसमें से पहला है वैसाख शुक्ल तृतीय को। अबूझ सावा इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना इसी दिन द्वापर युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग प्रारंभ, युग प्रारंभ, और इसी दिन सात अन्न की पूजा की जाती है। सात अन्न की पूजा, वैसाख में धींगा गणगौर आ गई, अक्षय तृतीय आ गई। अब सीधे आ जाओ अंतिम दिन वैसाख पूर्णिमा, वैसाख पूर्णिमा, और इस दिन को मनाते हैं पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, और इसी दिन मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध जो विष्णु के अवतार माने गए हैं, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ था, ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ, और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ, यानी उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। जन्म, ज्ञान, मृत्यु तीनों किसी दिन हुई वैसाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा गया है। यह है अपने वैसाख के प्रमुख त्योहार। अगला जो अपना महीना है वो आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ में मुख्यतः एक त्योहार आता है, क्योंकि ज्येष्ठ में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें जो मुख्य त्योहार है वो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, और इस दिन एक व्रत किया जाता है वो है निर्जला एकादशी, यानी इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाता है? ज्येष्ठ महीने। अगला महीना आता है आषाढ़, अगला महीना है आषाढ़। आषाढ़ में मुख्यतः दो त्योहार है, एक तो आता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इस दिन है देव सैनी एकादशी। देव सैनी एकादशी यानी इस दिन देवता सो जाते हैं, और यह है राजस्थान का अबूझ सावा। अबूझ सावा एक हो गया वैसाख का, एक आ गया आषाढ़ में, और इसी आषाढ़ में अंतिम दिन आता है आषाढ़ पूर्णिमा, और यह है गुरु पूर्णिमा। इसको मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, या इसी को कहते हैं व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा क्योंकि गुरुओं का गुरु माना गया है महर्षि वेदव्यास जी को, इसीलिए इसको कहा जाता है व्यास पूर्णिमा। जो कथावाचक होते हैं वो जिस
गद्दी पे बैठते हैं उसको बोलते हैं व्यासपीठ। वो व्यासपीठ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गुरुओं का गुरु किसे माना गया है, महर्षि वेदव्यास जी को। इस दिन आती है व्यास पूर्णिमा, यह आपके आषाढ़ के मुख्य त्यौहार। अगला जो अपना महीना है वो है श्रावण। अगला महीना है श्रावण। श्रावण में एक तो है मुख्य रूप से चार सोमवार। चार सोमवार इनको बोलते हैं वन सोमवार व्रत। चार सोमवार के व्रत होते हैं वन सोमवार व्रत। अब श्रावण में होती है बारिश, और बारिश से जो बिल के अंदर जानवर रहते हैं वो निकलते हैं बाहर। तो सबसे पहले आएगा श्रावण का कृष्ण पक्ष। श्रावण कृष्ण पंचमी इस दिन त्योहार मनाया जाता है, नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण, नाग काले रंग का है, काले पक्ष में आएगा। श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, इसके जस्ट बाद आता है श्रावण कृष्ण षष्ठी। इस दिन मनाया जाता है व्रत ऊब छठ, यानी महिलाएं खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, शाम को चंद्रमा को अर्ध्य देके बैठती है। कब मनाया जाता है श्रावण कृष्ण षष्ठी को। अब नाग आ गया, नाग के बाद में इसके दुश्मन को लाओ, श्रावण कृष्ण नवमी। इस दिन मनाई जाती है नीडरी नवमी, या कह दो नेवला नवमी। नेवला नवमी यानी श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग की पूजा होती है, श्रावण कृष्ण नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। अब सावन है, बरसात स्टार्ट होगी, 15 दिन बरसात होगी, चारों तरफ हरा हो गया, तो इसमें आती है श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या को क्योंकि इसमें बारिश होती है, बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो ये हो गए श्रावण के कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब देखेंगे शुक्ल पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष के हो गए, शुक्ल पक्ष में आओ, श्रावण शुक्ल द्वितीया। इस दिन मनाया जाता है सिंजारा, यानी जो नई बहुएं होती है उनका सिंजारा किस दिन डाला जाएगा, श्रावण शुक्ल द्वितीया को। एक सिंजारा चैत्र में आता है, वो अपने इधर इतना प्रचलन उसका नहीं है, अपने ज्यादा मनाते हैं सावन वाला। इसके अगले दिन आती है श्रावण शुक्ल तृतीया, और ये आगे छोटी तीज। छोटी तीज इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन शुरू होता है। त्योहारों का आगमन, यानी कहा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ने डूढ़ी गणगौर, यानी तीज त्योहारों को लेके आई बावड़ी। वो बावड़ी नहीं है जो गांव में होती है, बावड़ी मतलब वापस आना, बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज त्योहारों को लेके आई, और लेडू भी गणगौर। इस दिन से त्योहारों का आगमन या कह दो प्रारंभ होता है, और गणगौर पे त्योहार खत्म हो जाते हैं, छोटी तीज। और अब इसमें लास्ट में आ गया श्रावण पूर्णिमा, और इस दिन एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है संपूर्ण भारत में, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाएगा।